Let's recognize the best creator in tech category. और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी. आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया. एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस. दैट्स गौरव चौधरी. चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें. सर चलिए शुरू करते हैं. सर मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था. उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया. आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं. सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं. लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए. हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है. ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी. कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं. हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा. लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए. सर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में. मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई. और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो जरूर सर कोशिश रहेगी. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू.